कमेंट तो बहुत आते हैं, लेकिन मैं उन्हीं का रिप्लाई करता हूँ जो जिसमें कुछ इन्फॉर्मेशन लोगों को भी ज़रूरी लगे मुझे, ठीक है, है ना। अभी छोटे छोटे कमेंट तो आते रहते हैं, आप लोग अच्छे से कमेंट किया करो, ऐसा कमेंट किया करो जिसकी कोई वैल्यू हो और मैं रिप्लाई कर सकूं, दूसरों को भी पता चले। पहला जो हमारा कमेंट है, हेलो ब्रो, गर्ल्स के लिए सेफ है क्या? और वो बढ़ता रहता है जब तक आपका दिल करे, स्टडी करो इधर ही बैठ के करो। तो हमारा नेक्स्ट कमेंट है, भाई विंटर की सिचुएशन कैसी है? हाँ जी, तो सस्रियकाल, कैसे हैं आप लोग? सस्रियकाल, नमस्ते, कितना फिर बैठा दूर दूर है। तो भाई कैसे हैं आप लोग? और कैसे हो? सभी ठीक होंगे, हम भी बहुत ठीक है। बहुत ठीक है, थोड़ा सा ठीक नहीं है। तो भाई आज आए हैं हम मॉल, तो आज थोड़ा सा फिर से इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, बैठने को कोई जगह ढूंढते हैं और आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देते हैं आज की, थोड़ी सी कमेंट के रिप्लाई करने हैं सभी के। हमारा खुशा साहब आ रहे, आज इधर ही बैठ के वीडियो बनाएंगे आप लोग। तो भाई आज हमने कुछ कमेंट लिए हैं, है ना, और इनका रिप्लाई करना है 7-8 कमेंट हैं और अच्छे से रिप्लाई करेंगे उनका। तो पहला जो हमारा कमेंट है, हेलो ब्रो, गर्ल्स के लिए सेफ है क्या? तो भाई गर्ल्स के लिए तो सेफ है, सच में बहुत सेफ है, ठीक है। कैसे भी कपड़े पहनो, कुछ भी, जैसे मर्जी रहो, जैसे मैं आप लोग को दिखाता हूँ उनको, इधर को लोगों ने कैसे कैसे लड़कियों ने कपड़े पहने हैं अपनी मर्जी से, ठीक है। कैसे भी खाओ पियो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, गर्ल्स के लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो साफ सफाई भी है। तो हमारा अगला कमेंट जो है, तो भाई जो अगला कमेंट है, वर्क वीज़ा ते आना भाई काम मिल जाता, मेरे को फूड एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बर्गर पिज़्ज़ा ते हैगे आ मेरे इधरली ब्रो, जो इसके लिए सर्टिफिकेट जो है वर्क वीज़ा पे वो काम नहीं आते हैं, ठीक है, क्योंकि वो जो वर्क वीज़ा का काम होता है वो खुद देते हैं, वो लोग देते हैं, आप डिसाइड नहीं करोगे, वो एग्रीमेंट साइन करवाते हैं, कोई फार्म का होगा, भेड़ बकरियों का, गाय का होगा, इस वो उनके ऊपर डिपेंड होता है, आपके ऊपर डिपेंड नहीं होगा। अगर आप स्टूडेंट आते हो फिर आप बर्गर किंग कहीं भी काम कर सकते हो, KFC वगैरह कहीं भी, ठीक है। तो भाई अगला जो हमारा कमेंट है, भाई साइप्रस आने के लिए आईलेट्स की ज़रूरत है। तो भाई अभी जो आईलेट्स की ज़रूरत कर दी है इन्होंने, ज़्यादा 70-80% कॉलेज अभी आईलेट्स मांग रहे हैं, क्योंकि अभी इन्होंने रिकॉर्ड डाला है शैनगन में, ठीक है, क्रिमिनल रिकॉर्ड डाला है, उसकी वजह से शैनगन में आने के चांस है, और उसकी वजह से बहुत लोग जिनको इंग्लिश नहीं आती वो काम नहीं कर पा रहे हैं इधर, उनको काम नहीं मिल रहा है, कॉलेज में स्टडी नहीं हो पा रही उनकी, ठीक है। तो इसलिए आईलेट्स ज़रूरी कर दी है, इंग्लिश के बगैर कुछ नहीं है इधर को, ठीक है, इसीलिए। तो जो हमारा अगला कमेंट है, जो वीरे इतने जो आप एक साल का स्टडी वीज़ा लेने तो साइप्रस एक साल का वीज़ा लगता, उस तो बाद वीज़ा एक्सटेंड हो जाता। तो भाई बोल रहे हैं जब हम एक साल का वीज़ा लेके आते हैं, बाद में 4 साल की स्टडी में इधर बाकी के साल हम बढ़ा सकते हैं क्या? तो हम बढ़ा सकते हैं भाई, हाँ, सभी का एक साल का वीज़ा लगता है, सभी का एक साल के लगता है, एक साल की फ़ीस होती है, और बाद में इधर आके काम करके अगले साल की फ़ीस देनी पड़ती है, और वो बढ़ता रहता है जब तक आपका दिल करे, स्टडी करो इधर ही बैठ के करो। तो जो हमारा नेक्स्ट कमेंट है, भाई विंटर की सिचुएशन कैसी है, थोड़ा एडवाइस दो, जैसे जैकेट्स जो इंडिया में चलती है वो वहाँ पे लेनी पड़ती है। भाई नॉर्मल सर्दी है जैसे इंडिया में होती है, वैसे कपड़े इधर पहनने हैं, बस जो विंटर में इधर बारिश बहुत होती है, तो काम करने के लिए रेन सूट, जो कोट वगैरह होते हैं रेन काम करने वाले, वो साथ में लेके आओ तो अच्छी बात है, काम पे पहन के जाओगे, ठीक है। तो बारिश बहुत होती है, सर्दी वैसे नॉर्मली होती है, तो इतना भी कुछ खास सर्दी नहीं है, बर्फ़ नहीं पड़ती है, किसी किसी शहर में पड़ती है बर्फ़, वैसे इधर बर्फ़ नहीं पड़ती है।
तो जो हमारा अगला कमेंट है भाई, डिलीवरी के लिए अपडेट्स। तो भाई डिलीवरी दिन ब दिन बढ़ रही है, लोग बढ़ रहे हैं डिलीवरी में, और डिलीवरी की जो कंपनी है वो भी दिन ब दिन न्यू बन रही है। इधर को एक दो महीने बाद एक कंपनी और बन जाती है, और बन जाती है, और बंदे आ जाते हैं। तो डिलीवरी का काम अच्छे से चल रहा है इधर। एक डिलीवरी जो हमारा काम होता है वही एक ऐसा काम है जिसमें हमें ज़्यादा पैसे मिलते हैं, ठीक है। बाकी नॉर्मल काम तो 1000 1100 यूरो 1200 यूरो स्टूडेंट के लिए नॉर्मल है, 1100 1100 यूरो 1200 यूरो इतना ही है। डिलीवरी में ही एक काम है जो 1500 यूरो 1600 यूरो बना लेता है आदमी, वो भी काम करके अच्छे से, ठीक है। तो बाकी यही थे आज का हमारा थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं और भी व्लॉगिंग भी करता हूँ, इन्फॉर्मेशन नहीं देता हूँ, सिर्फ व्लॉगिंग करता हूँ। इधर उधर घूमना, इधर उधर जाना, मैं जाता रहता हूँ। तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरा और भी वीडियो आप लोगों तक पहुँचे और मेरे को थोड़ा सा मोटिवेशन मिले। तो चलिए अभी वीडियो ख़त्म करते हैं, मिलते हैं हम अगली वीडियो में।